पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन सूर्यनगर में आयोजित किया गया। इसमें युवा कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण कराई गई। वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस को चुनाव मजबूती से लड़ने हैं। युवाओं के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करना है। इसके लिए संगठन की मजबूती जरूरी है, सभी को तैयारी में जुट जाना चाहिए। भाजपा ने जनता से खूब वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। अब जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल गुर्जर और संचालन मोहम्मद शमी ने किया। सम्मेलन में मुरादाबाद प्रभारी व AICC सदस्य अशफाक सकलैनी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, शिवराज गुर्जर, नितिन कुमार, शुभम कुमार, राहुल शर्मा, सचिन कुमार, नरेंद्र सैनी, अरविंद कुमार, अनमोल गुप्ता, जावेद अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से युवा कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग यहाँ पर लाइन पास सूर्यनगर में कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीनियर लीडर भी उपस्थित हैं। उनकी मौजूदगी में कुछ हमारे युवा साथी जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का आज काम हम कर रहे हैं। हमारे इस मीटिंग का उद्देश्य आने वाले 2019 में MP के इलेक्शन में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का उद्देश्य हमारा है। हम घर घर जाकर और मोहल्लों में गलियों में जाकर हम युवाओं को जोड़ने का काम अपनी यूथ कांग्रेस के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि हम कांग्रेस को मजबूत करें और अपने आने वाले युवा को मजबूत करें। हम अपनी कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो तब हमारा आने वाला 2019 MP के इलेक्शन में कांग्रेस विजयी हो पाएगी।